बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी,
इसमें बढ़ने न पावे ये पापों का पानी। नादान केवट संभल कर चलो, मी तुम आया भमर ने तु घेरा। और सबसे अच्छी बात, मन का रतन रख जतन से अनारी, यहां आग चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा। और अंतिम पंक्ति में इतनी प्यारी बात कही, बादल विपत्ति की अंधेरी हैं रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखो श्याम पुतली में उसकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा। आदरणीय जड़भरत जी कहते हैं, संसार एक अटवी है, एक जंगल है, और जब तक तुम्हारे अंतस्थ में यह भाव विद्यमान है कि पालकी को ढोने वाले कहार छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, तब तक भी तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इस अहंकृति को भी निकालना होगा। देखो, एक बार के सत्संग ने रघुगण के जीवन की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। जड़भरत जी चले गए और भरत जैसे मनीषियों के प्रादुर्भाव की वजह से हमारी राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है। वैसे तो पृथ्वी पर सात द्वीप हैं, सप्तक दीपवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, लेकिन सात द्वीपों में जो एक जम्बुद द्वीप है उसमें फिर नौ वर्ष हैं, और नौ वर्षों में एक भारत वर्ष है। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम, इनमें भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। बुरा किया तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, शुभ कर्म किया तो स्वर्ग जाना होगा, और गोविंद चरणों में प्रीति करी तो कन्हैया के लोक की प्राप्ति, गोविंद की गोद प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित ने पूछा, नरका है भगवान किम देश विशेषा, ये नरक किसी देश का नाम है कि प्रांत का नाम है कि नगर का नाम है, कौन है नरक, ये क्या है? भगवान सुखदेव ने नरकों की बहुत विस्तार से व्याख्या की, और हम लोग गिरिराज धरण की तरट्टी में बैठे हैं, या नरक बरक की कथा ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे गोपाल की गोद में बैठे काय का नरक, यहां तो नरक का प्रवेश ही नहीं है। तो कथा में कहना जरूरी होता है, इसमें थोड़ा स्पर्श कर लेते हैं। 28 नरकों की बात उन्होंने बताई। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र सुपत्र बन, सब नरक बता दिए। और परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताइए, मान लीजिए हमसे कुछ अशुभ कर्म बन जाए, थोड़ा ध्यान से सुनना, और हम नहीं चाहते कि इसका फल हमें नरक में जाना पड़े, हमें यह भोगना पड़े, तो क्या करना चाहिए? बोले, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्ति कयिष्यते, क्योंकि अविद्वद् कारित्वा प्रायश्चित्यं विमर्शनम्। हमें प्रायश्चित करना चाहिए। हमसे कोई अशुभ कर्म हो जाता है और राजन हम नहीं चाहते कि इसके बदले हमें नरक में जाना पड़े, तो प्रायश्चित्यम विमर्शनम, उसका प्रायश्चित कर लो। और बहुत सीधी सी बात है, प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप को ही प्रायश्चित बोलते हैं। सुनिए, झूठ क्यों बोला आपने? कहा हम सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं, केवल ऐसा कहने से नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला,
चलो इसके बदले सत्यनारायण की कथा कराओ। तो सत्यनारायण की कथा हमने कराई तो एक प्रकार से वो झूठ का प्रायश्चित हो गया, लेकिन उसका सच्चा प्रायश्चित कब माना जाएगा? जब आगे कभी झूठ नहीं बोलने का संकल्प ले लो। आज झूठ बोला, कल प्रायश्चित किया, परसों वापस झूठ बोल दिया, फिर तो ब्याज और लगेगी, 1.25% तो पक्का लगना ही है, प्रायश्चित में होगा ही नहीं। अच्छा, प्रायश्चित लोग कई प्रकार का करते हैं। परीक्षित बोले कौन कौन सा? कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लेके प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियमादि के माध्यम से प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षि भी, हमारे महर्षियों ने पापों के बहुत प्रायश्चित्य बताए हैं शास्त्रों में। लेकिन सुखदेव जी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायश्चित कोई है, अब्बल दर्जे का प्रायश्चित केवल एक है, कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर। बसति सर्वम इति बसुः दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव। जो कण कण में बसने वाले वासुदेव प्रभु के चरणों में विशुद्ध भावात्मिका प्रीति करता है, अमल भक्ति करता है, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि वासुदेव के चरणों में की गई भक्ति ही सर्वोच्च प्रायश्चित है, और इस भक्ति के कई रूप हैं। आप लोग कपिल देवभूति संवाद में कल श्रवण कर रहे थे, जिसका प्रारंभ है कीर्तन, जिसका प्राथमिक स्वरूप है कीर्तन। नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में रुचि का बढ़ना, और वह विशुद्ध भावात्मिका भक्ति जब अंतस्थ में स्थापित हो जाती है तो कल्याण होता है। पर क्योंकि उसका प्रारंभिक स्वरूप भगवान नाम का